फ्रेंड्स, काना गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं इस खूबसूरत सीडम की वैरायटी के साथ हूँ, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है और हैंगिंग प्लांटर्स में लगे हुए ये प्लांट बहुत सुंदर लगते हैं। जिसको हम कॉमनली डोंकी स्टेल के नाम से जानते हैं, उसे सीडम वेरेटो का नाम होता है। और देखने में ये बहुत ही सुंदर और एकदम भरी हुई बास्केट लगती है। काफ़ी ये स्लो ग्रोथ वाला प्लांट है, पर धीरे धीरे ये हैंगिंग बास्केट पूरी भर जाती है, तब ये प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। सन लविंग प्लांट होते हैं, जैसे कि सारे ही सकलेंट्स होते हैं, वैसे ही इसको मिट्टी बना के रखनी पड़ती है। एक वेलड्रेन सॉइल की नीड है इस प्लांट के लिए। और इस प्लांट को जब हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं और चारों तरफ से ये भर जाता है, तो लटकते हुए ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगते हैं। सिर्फ बारिश में इन प्लांट्स को बचाना पड़ता है, क्योंकि बारिश में कॉमन होता है कि हमारे सकलेंट्स मर जाते हैं। तो वैसे ही इस प्लांट के साथ भी है, ये सकलेंट भी बारिश को बहुत पसंद नहीं करता है, फिर भी उतना ख़राब नहीं होता है ये सकलेंट जैसे कि बाकी हो जाते हैं। तो एक अगर आप ऐसे एरिया में इसको रख देंगे बारिश के टाइम में, जहाँ पर कि ज़्यादा बारिश ना आती हो, तो ये प्लांट चलता रहता है। अभी सकलेंट कभी ना कभी फ्लावरिंग करते हैं, तो ये भी एक फ्लावरिंग सकलेंट ही है। और इसमें भी जब ये पुराने हो जाते हैं, तो इसमें क्लस्टर में फ्लावर देखे जाते हैं। इनकी टिप्स पे क्लस्टर में फ्लावर्स आते हैं, जो कि मेरे पास भी आए थे पिछली विंटर्स में, और जो कि मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो अभी आएंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी उन फ्लावर्स का। तो देखने में काफ़ी खूबसूरत पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, जो कि क्लस्टर्स में होते हैं और इनकी टिप पर ही आते हैं वो फ्लावर्स। तो थोड़ा पुराना होने पे इन प्लांट्स में फ्लावरिंग देखी गई है, जो कि बहुत कॉमन नहीं है, थोड़ी अनकॉमन है फ्लावरिंग। अगर सारी कंडीशंस इसकी पूरी होती हैं, तभी इसमें फ्लावरिंग देखी जाती है। बट ये एक बहुत खूबसूरत सकलेंट है, जो कि अगर आप ऐसे एरिया में प्लेस करते हैं जहाँ पर कि पूरे दिन की धूप ना आती हो, मॉर्निंग की सनलाइट अगर अच्छे से इसको मिल जाए, और उसके बाद ये से सेमी शेड एरिया में ही रहे, जहाँ पर छन छन की रोशनी आती रहे, तो ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ शो करता है। और पानी का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी की नीड इसको नहीं है। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्लांट ये नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा मैन्योरिंग या बहुत ज़्यादा केयर करने की इनको ज़रूरत नहीं होती है। अगर एक बार इनको आप लगा लेंगे, तो ये आपके गार्डन में चलते रहते हैं। काफ़ी इजी टू प्रोपोगेट प्लांट होता है, चाहे तो आप इसकी एक लीफ से भी इसको न्यू प्लांट बना सकते हैं, या आप अगर इसकी छोटी सी कटिंग ले लेंगे, इतनी बड़ी यहाँ से आप इसको काट लेंगे और उसकी कटिंग को मिट्टी में लगा देंगे, तो भी एक न्यू प्लांट बन जाएगा। तो इजी टू प्रोपोगेट हम इस प्लांट को कह सकते हैं। ये नर्सरीज़ में प्लांट काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं सभी सकलेंट्स की तरह, तो अगर आप एक बार ले आते हैं और ठीक से केयर करते हैं, तो आपके पास ये सालों साल रहने वाला प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है, या अगर आप चाहें तो साइड में छोटे छोटे पॉट्स में भी इसको लगा कर रख सकते हैं, उसमें भी ये लगा हुआ काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। तो इस सकलेंट्स को आप इजीली अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अपने गार्डन में सकलेंट को भी ऐड करिए और इसकी खूबसूरती को इंजॉय करिए। आज बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।